केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश पे किया जोरदार हमला। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे का पटना एयरपोर्ट से बड़ा बयान सामने आया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि 24 की तैयारी लगातार हो ही रही है, अमित शाह जी आ रहे हैं, स्वामी सहजानंद की जयंती है, उसको मनाने के लिए काफी संख्या में किसान आएंगे, उनको संबोधित करेंगे। वहीं पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन की रैली को लेकर कहा, होलिका दहन तो इनका होना तय है, जब हो, होली के पहले हो या बाद हो। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भाई 24 की तैयारी तो लगातार हो ही रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 24 की तैयारी, राजनीतिक दल है तो थोड़े कुछ सोने के लिए है। अरे राजनीतिक दल तो एक के बाद एक, एक के बाद एक एक्सरसाइज करता ही है। और जहाँ तक अमित शाह जी आ रहे हैं, वो स्वामी सहजानंद जी का जन्म जयंती है और उसको मनाने के लिए बिहार के लोग सहजानंद स्वामी सहजानंद जी का, उनकी बड़ी भूमिका किसानों की रही थी, किसान नेता और तमाम किसान यहाँ आ रहे हैं और उनको संबोधित करेंगे हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। कि भाई जनता दल का गठन ही हुआ था राजद के अगेंस्ट में, लालू प्रसाद के अगेंस्ट में, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में, माफिया खिलाफ के, लेकिन आज माफिया के गोद में बैठ करके नीतीश कुमार जी ये भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ के बिहार को डसने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार को ये जो लगातार पूरे बिहार में ये समस्या कुमार हैं और ये पिकनिक मना रहे हैं बिहार में घूम घूम करके, ये समाधान यात्रा नहीं है, पूरी तरह से पिकनिक यात्रा है, ये व्यवधान यात्रा है। पूरे बिहार को जंगल राज में परिणत कर दिया 24 किलोमीटर दूर पर। क्या हुआ दो आज से चार दिन पहले, पुलिस के गुंडे को पिटाई नहीं कर पाई पुलिस, पुलिस को गुंडे पिटाई कर रहे थे और यहाँ DGP बैठे हैं 24 किलोमीटर पर, मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये जंगल राज तो नहीं क्या? और क्या, पुलिस को मारा जा रहा है, पुलिस भाग रहे जान बचाने के लिए, ये जंगल राज फिर से बिहार। और दो गुंडों का, अपराधियों का गिरोह आज बिहार अपराधियों के गिरोह के जाल में फैला हुआ है। इसलिए बिहार को बचाने के लिए, बिहार को बचाना है, देश का भविष्य होगा 2024 में, ये कहते हैं 100 पर लगा देंगे बीजेपी को, है नीतीश कुमार को शक्ति? अरे जब जब बीजेपी ने साथ दिया, बीजेपी ने तुमको बनाया है, बीजेपी को तुमने नहीं बनाया है, बीजेपी ने तुमको बनाया है। ये नकली आदमी है। और आज लालू जी को कितना दुख होता होगा हॉस्पिटल में, बेचारा चाह रहे हैं कि मेरे बेटे का ताजपोशी हो जाए। जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार ने उनको अपना कह दिया, सिग्नल दे दिया कि हमारा नेता वही होगा, फिर आज काहे रुक गए, काहे ललन सिंह से लेकर के सब लोग आज रुक रहे हो, हिम्मत है? अरे ये दोनों के दोनों ठगने वाले लोग हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि इनके पेट में दांत है, कहा था ना ये पलटन राम, ये पलटन राम, ये कब पलट जाएंगे समझ में नहीं आता, ये किसी दिन पलटेंगे, दोनों का दोनों ठग जाएगा, ये दोनों ठग बिहार से, सत्यानाश इनका होना तय बिहार में 2024 में। सुन लीजिए कान खोल करके, 40 सीटों पर हम लड़ने वाले हैं, 40 पर, और 40 पर ये जितना देख रहे हैं ना, जितना डफली बजा रहा है नीतीश कुमार का, तो थोपड़ा साफ हो जाएगा, कहीं कोई रहेंगे नहीं 40। और बिहार में 2/3 बहुमत से भारत की जनता के विकास के लिए, आज पूरी दुनिया में भारत का शौर्य, भारत का विकास के कारण, भारत की सुरक्षा, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे भारत को जो सम्मानित करने का काम किया है, भारत की जनता के आशीर्वाद से अगला प्रधानमंत्री 2/3 बहुमत से होने वाला है। ये तमाम विपक्ष का सुपड़ा, ये नीतीश कुमार बिहार को और देश को जोड़ने वाले हैं। अपने घर को जोड़े, पहले घर को जोड़े, अपने परिवार को जोड़े, फिर देश को जोड़े। अरे पलटनिया राम तो है ही, कब पलटेगा ठिकाना नहीं, और होली के पहले कोई ठिकाना नहीं, होली के पहले या बाद इनका तो होलिका दहन तय है बिहार में।